गाइस वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और फाइनली जिसका बार बार पूछ रहे थे कि मैडम हम एस्टेट दे सकते हैं, हमें फिर से देना चाहिए, हमारा पहले क्वालिफाई है, क्या हमें देना चाहिए, मेरा इतने उसमें क्वालिफाई हुआ था तो क्या मैं दूं या ना दूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। क्योंकि भाई कंप्यूटर के अंदर हरियाणा के अंदर जो है 1700 प्लस वैकेंसी आ गई है, मेवात वाला जो एरिया मिला के, ठीक है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे ताकि आपको लास्ट टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत ना आ जाए, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट ज़रूर देखिएगा। देखो भाई, आपको अगर हरियाणा में टीचर बनना है तो सबसे पहले आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। विदाउट एस्टेट आप हरियाणा में टीचर नहीं बन सकते, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपकी जब स्क्रीनिंग की वैकेंसी आती है, देखो अभी काफ़ी लंबे समय से नहीं आई थी, 2019 में आई थी लेकिन उनको विड्रॉल कर लिया गया 2022 में, ठीक है। अब जाके एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई जैसे ये वाला एस्टेट आएगा आपका, उसके बाद जो है 2022 वाला एस्टेट होते ही उसके बाद जो है आपकी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। अब कई बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस जो है वो 2014 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार जो पेपर हुआ था कंप्यूटर साइंस का वो 2014 में हुआ था, ठीक है। तो 2014 में फर्स्ट टाइम आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ, तो कंप्यूटर पहले अगर मैं कंप्यूटर की वैलिडिटी की बात करूँ तो 5 साल होती थी, कितनी होती थी, 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन जब कोविड आया उस टाइम पे जो वैलिडिटी है वो 5 ईयर से बढ़ा के 7 ईयर कर दी गई, कहीं कहीं फुल जो है लाइफ टाइम भी आया सुनने को, लेकिन जो ऑफिशियल जो आपको अब अपडेट है वो 7 ईयर का आया था, लाइफ टाइम का नहीं आया था। तो ये माइंड अपने ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 5 ईयर्स की जगह ये वैलिडिटी हो गई आपके 7 साल, ठीक है। कितने साल हो गई, 7 साल। अगर मैं 7 साल की बात करूँ तो 2014 में 7 साल ऐड कर दो, 2021 में ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो वैकेंसी आएंगी ये बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो भाई अगर आपको है कि भाई मुझे भरना है और मुझे भरना था क्योंकि 2019 में ऑब्वियसली ये एलिजिबल थे लेकिन अभी नहीं होंगे, ठीक है। 15 की बात करूँ तो इसमें भी 7 साल जोड़ दो तो 22, इस साल अगर वैकेंसी आती है तो ये एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज इनकी भी वैलिडिटी ख़त्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं होता, जब आप स्क्रीनिंग का फॉर्म भरते हो ना तो वहाँ से आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, एस्टेट का डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके करवाने पड़ेंगे। तो मे भी वहाँ पर भी आपसे एस्टेट आपका मांगे कि एस्टेट दिखाओ। अगर वहाँ पर आपको जब DV होता है और उस टाइम पर आपके एस्टेट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो क्या पता वो आपको जो है कर सकते हैं, कोई श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ के लिए। लेकिन मेरा आपको आपसे ये कहना है कि भाई आप किसी भी चीज़ का रिस्क ना ले, गवर्नमेंट हर टाइम नए रूल बनाती है तो भाई ऐसा ना हो किसी नए रूल के चक्कर में आप जो है अपनी जो पूरी मेहनत है उससे हाथ धो बैठो, ठीक है। तो भाई एक एस्टेट के पीछे 1000 रुपये का फॉर्म डलेगा, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो डेफिनेटली आप ये वाला एस्टेट भी निकाल दोगे, ठीक है। तो भाई तो 15 वाले जो है 22 में तो भाई ये भी इनके भी चांस नहीं है फॉर्म भरने के। बच्चे 2016, तो ज़्यादातर जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं वो 2016 वाले बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि मैडम क्या हमें भी देना चाहिए। तो भाई मैं 2016 वालों को बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप पेपर एस्टेट वाला पेपर दीजिए, क्योंकि भाई 2023 में आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और 2023 में वैलिडिटी ख़त्म होने में भी आपकी जो DV है वो बाद में हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है आप अपना जो है एस्टेट दे दें। उसके बाद 17 वाले, ये वाला जो है 17, 18, 19, 20 और 21, इन बच्चों को बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेफ जोन में है, कहते हैं ना ये बिल्कुल सेफ जोन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो 2014 और 2015 ये तो बिल्कुल ऐसे हैं जिनका कोई जोन ही नहीं है, इनको तो पेपर देना ही पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन नहीं है। बचा 2016 पे रेड लाइट निकल रही, रेड लाइट है, बिल्कुल रेड जोन बोलते ना कि भाई बिल्कुल लास्ट, तो आप इसको रेड जोन बोल सकते हो। बाकी जो इधर वाला जो एरिया है 17 से लेके 21 तक का, 2017 से लेके 2021 तक का, वो आपका बिल्कुल सेफ जोन है। DV हो आपका, वैकेंसी आए, कुछ भी आए, ये बिल्कुल सेफ जोन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी 14 और 15 नॉट एलिजिबल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे और 16 वाले आपके जो हैं सेफ जोन में हैं, ठीक, सॉरी रेड जोन में हैं।
भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे वैलिडिटी को लेके। फिर भी अगर किसी बच्चे के डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई पूरा का पूरा स्क्रीनिंग आपका एस्टेट के बेस पर ही रहता है, तो आप मत लीजिए रिस्क, मैं आपको यही कहूँगी। गवर्नमेंट के हर बार नए रूल, नई चीज़ें, नई सब कुछ होता है, तो नए रूल के चक्कर में कहीं आप लोग ना पिस जाओ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।